हेलो फ्रेंड्स, डेली टेक ट्यूटोरियल से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज हम इस वीडियो में ये देखते हैं कि ये पे ऑन डिलीवरी क्या है अमेज़ॉन इंडिया पे। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि पे ऑन डिलीवरी या कैश ऑन डिलीवरी में क्या डिफरेंस है या क्या फ़र्क है। तो एक्चुअली फ्रेंड्स, क्या होता था, ये जो अभी आप स्क्रीन पे ऑन डिलीवरी का ऑप्शन देख रहे हैं, तो इसके पहले यहाँ पर पे ऑन डिलीवरी नहीं लिखा रहता था, यहाँ पर लिखा रहता था कैश ऑन डिलीवरी। तो अभी फ्रेंड्स, ये कैश ऑन डिलीवरी की जगह अब लिखा आने लगा है पे ऑन डिलीवरी। तो बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि ये क्या है भैया, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर करना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स देखिए, पे ऑन डिलीवरी में क्या होता है, कैश ऑन डिलीवरी प्लस कुछ एडिशनल पेमेंट ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो देखिए, अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी के बारे में जानना है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पर मैंने कैश ऑन डिलीवरी वाला वीडियो बहुत पहले ही बना दिया था, तो उसको आप देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि कैश ऑन डिलीवरी क्या है। कैश ऑन डिलीवरी कुछ नहीं है, अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन है आपके पास अवेलेबल, मतलब कैश ऑन डिलीवरी हो रही है, तो जब फ्रेंड्स प्रोडक्ट आपके घर में आ जाता है तब आप जो डिलीवरी पर्सन है उसको कैश देके पेमेंट करते हैं, ना कि पहले से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग का यूज़ करके पेमेंट करते हैं ऑनलाइन। जब प्रोडक्ट आपके पास आ जाता है तो डिलीवरी पर्सन को देते हैं। अब फ्रेंड्स, डिलीवरी पर्सन के पास आजकल अमेज़ॉन ने कुछ और इक्विपमेंट दे दिया है या फिर कुछ और एडिशनल फैसिलिटी दे दिया है, और इसको टोटल मिला के वो बोलने लगा है पे ऑन डिलीवरी। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि कैश के अलावा अब ये जो डिलीवरी करने आते हैं अमेज़ॉन के, जो जैसे अमेज़ॉन ट्रांसपोर्टेशन सर्विस से आते हैं, तो फ्रेंड्स उनके पास कुछ इस टाइप की एक छोटी सी मशीन रहती है। तो ये एक्चुअली डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की स्वाइप मशीन है, और इसका यूज़ करके आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे समझ लीजिए, इनकेस अगर आपके पास कैश नहीं है या फिर आपको कैश कम पड़ रहा है या फिर आपको पेमेंट ही नहीं करना है कैश से, आप सोच रहे हैं कि जब प्रोडक्ट आ जाएगा तब मैं पेमेंट करूँगा अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से, तो उस केस में फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पास जब डिलीवरी पर्सन प्रोडक्ट लेके आ जाता है, मतलब बॉक्स लेके आ जाता है, उसके बाद फ्रेंड्स आप उससे पूछिए कि आप कार्ड स्वाइप मशीन अपनी निकालिए। तो ये कार्ड स्वाइप मशीन अमेज़ॉन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के जो लोग हैं उनके पास तो रहती है, बाकी कुरियर का मेरे को आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ सिर्फ अमेज़ॉन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ही डिलीवर करता है और उनके पास ये छोटी मशीन रहती ही है। तो एक बार जब वो मशीन निकाल लेगा फ्रेंड्स, तो आपको दे देगा, तो उसमें आपको कार्ड फंसाना है या फिर उसको बोलिए कि आप ये कार्ड को इंसर्ट कर दीजिए, जैसा भी इंसर्ट करते हैं, और उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो भी पिन है उसको आप इस मशीन में डालिए। पिन आपको किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही बोलने की ज़रूरत है, पिन आपको मशीन लेना है, कार्ड फंसा हुआ मशीन लेना है, पिन को डालना है और बस पेमेंट हो गया। तो पेमेंट जैसे ही होता है तो आपके मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ऐसा मैसेज आ जाता है। दूसरा जो फैसिलिटी है ये पे ऑन डिलीवरी में, वो है फ्रेंड्स पे लिंक की। तो ये जो फ्रेंड्स पे लिंक का फंडा है, इसमें आपको जब डिलीवरी पर्सन प्रोडक्ट को डिलीवर करने आता है तो उसको आपको बोलना पड़ता है कि आप मेरे को पे लिंक का SMS भेजिए। तो फ्रेंड्स आपका जो मोबाइल नंबर है उसमें आपको पे लिंक का कुछ इस टाइप से मैसेज आ जाता है। और फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक URL दिख रही होगी या हाइपर लिंक दिख रही होगी, ये आपको मैसेज के थ्रू आएगी। ये आपके अकाउंट के लिए या फिर आपके पेमेंट करने के लिए कम्प्लीटली यूनिक रहती है। तो फ्रेंड्स इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे अमेज़ॉन की, और वहाँ पर आके आप अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं। एक बार जब आपका पेमेंट मेथड सेलेक्ट करने के बाद आप अपने ट्रांजैक्शन को अप्रूव कर देते हैं, यानी कि आपका बैंक अप्रूव कर देता है, तो उस केस में आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है और आपको अमेज़ॉन की तरफ से कन्फर्मेशन SMS आ जाता है कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से ये पे लिंक का जो ऑप्शन है, मेरे हिसाब से हो सकता है बहुत सारे लोग ना यूज़ कर पाएँ या फिर थोड़ी दिक्कत है, वैसे बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं होनी। पर फ्रेंड्स मैं ये बोलूँगा कि कैश ऑन डिलीवरी के अलावा सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि इनके पास जो छोटी सी मशीन रहती है स्वाइप मशीन, उसका यूज़ कर कीजिए आप, और अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को इसमें फंसवाइए या फंसाइए खुद,
और पिन डालिए और पेमेंट करिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से पे ऑन डिलीवरी का, ये सबसे सही ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आपको अब क्लियर हो गया होगा कि कैश ऑन डिलीवरी और पे ऑन डिलीवरी में क्या फ़र्क है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।